खबर मकराना से है, जहां पर प्रकाश भाकर 34 वर्ष के नागौर जिले के मकराना विधानसभा क्षेत्र के युवा उद्यमी एवं समाज सेवी है। प्रकाश भाकर का जन्म एक गरीब किसान परिवार में जूसरी ग्राम पंचायत में हुआ। 2005 में इन्होंने स्वयं का मकराना मार्बल का व्यवसाय शुरू किया। 2015 में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा, जिसमें 137 मतों से विजय प्राप्त की। यहाँ से भाकर ने अपने राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की शुरुआत की। 2020 में अपने ही ग्राम पंचायत जूसरी से सरपंच चुने गए और साथ ही नागौर जिले के सरपंच संघ अध्यक्ष चुने गए। भाकर जालौर मार्बल एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। पंचायत समिति सदस्य रहते हुए भाकर ने अपनी निजी जमीन से 3.10 बीघा जमीन देवलाजी गौशाला को दान की है। कोरोना काल में पूरी मकराना विधानसभा क्षेत्र में गरीबों के लिए राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, पीपी किट, दवाइयां निजी खर्चे से वितरित किया है। इस दौरान अच्छा कार्य करने पर राजस्थान सरकार द्वारा जिला स्तर पर सम्मानित कर 1,00,000 रुपए के प्रोत्साहन राशि भी ग्राम पंचायत को दी गई। भाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश अनुसार 32,000 आयुर्वेदिक पौधे वितरित किए तथा घर घर जाकर उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताया। भाकर ने कोरोना की दूसरी लहर के बाद रक्त की कमी को देखते हुए 12 सितंबर 2021 को रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, जिसमें कुल 367 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। भाकर ने डोबड़ी कला गौशाला के अंदर भी कार्यक्रम के दौरान 5,00,000 रुपए दान किए। हाल ही में देवलाजी गौशाला में हुए कार्यक्रम में 6,00,000 रुपए ट्यूबवेल के लिए व 5,00,000 रुपए नगद दान कर देते हुए कुल 11,00,000 रुपए गौमाता के लिए गौशाला में दान किए। भाकर ने सबलपुर ग्राम के अंदर वीर तेजाजी महाराज मंदिर के लिए 4,000 फीट मार्बल दान किया। भाकर ने मकराना विधानसभा क्षेत्र के समस्त 40 ग्राम पंचायतों में निजी खर्च से प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर 5,00,000 रुपए विकास कार्य के लिए दान देने की घोषणा की है। साथ ही मकराना विधानसभा क्षेत्र के युवा प्रकाश भाकर को समाज सेवा के लिए एक यूथ आइकन के रूप में भी देखा जा रहा है। साहब, अब की ये आदमी आया है जो डाणे का विकास हो रहा है और एकदम एमन आदमी आया है हमारी नज़र में। जैसे हम तो 40 वर्षों से इस खड्डे में ही पड़े थे, मगर अब क्या है कि रोड के, पानी के, हर चीज़ की सुविधा दे रहे हैं। हमारे को कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। प्रकाश जी एक नंबर आदमी है हमारी नज़र में। बाकी हम तो ये 40 साल से देखते हैं कि कोई ही माई का लाल यहाँ घड़े में आके देख के ऐसे ही कोई कांकरी बिछा के चले जाते थे, कोई काई करके चले जाते, मगर कोई सुनाई नहीं देता हमारे। अब एक आगदों में सब में प्रकाश जी आए हैं और प्रकाश जी हमारे लिए बहुत जाने, मतलब ये भगवान का रूप ही आ गया। ये देख लो आप, खबर लो, और घड़े के महीने इतना काम हो रहा है बढ़िया शांति से। हम समर्थन करते हैं उनको, आदमी अच्छा आदमी है वो।